हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है छात्र प्रतिभा खिलवार, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पर। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो भाई, मैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि पेपर आ चुका है और पेपर आने से पहले हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइंड को फ्रेश रखना है और पढ़ने के लिए मतलब ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि समय हमारे पास कितना है, बहुत ही कम बचा है। एक एक दिन गिनते जाती हूँ, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे। तो कम हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा तो पड़ेगा ही। ये नहीं कि बस हो गया, मोबाइल पकड़े इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहे। तो अभी ये तीनों चीज को तो आप इग्नोर करोगे। मोबाइल का यूज करो, लेकिन आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज किसी और चीज के लिए नहीं कि बस फोन आ रहा है, चैटिंग करना है, ये आप नहीं करोगे क्योंकि अभी पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के लेक्चर में आज हम क्या देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मिशन 2023 जो है, यानी कि अभिप्सा पूरे जो टीम है जो आप लोगों के लिए लेकर आया है मिशन 2023, और आप इसमें जुड़ेंगे और इसमें जुड़ करके आप अपनी तैयारी को चेक करने वाले हो कि आप कितने पानी में डूबे हुए हो, कि कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता, क्योंकि ये जो सीरीज है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है और आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कहीं और नहीं भागना। ठीक है, आपको लगता है कि मैडम ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि छोड़ चुकी है, ये क्यों नहीं आ रहा है, तो जब पेपर एनालिसिस करोगे बेटा तो आपको पता ऑलरेडी चल जाता है। ठीक है, तो हमने वही किया है एग्जाम्स के सीरीज में। जब हम स्टार्ट हुए थे तब हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया, कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते जाते हैं। तो भाई स्टार्ट करेंगे हमारा आज का जो सेशन है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थियों तैयार हो जाओ, आपको पढ़ना है मेरे साथ, क्योंकि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की तैयारी आप करेंगे छाया मैडम के साथ में, पूरे डायग्राम के साथ, क्योंकि डायग्राम आपको पता ही है मेरा फेवरेट और आपको अंक दिलाने के लिए बहुत महत्व, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन है हमारा, यूनिट फर्स्ट का 5 अंक का जो हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। आपको पता ही होगा कि 5 अंक के 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये 3 मैंने पार्ट बनाया। अगर मैं सबको एक साथ मर्ज कर दूं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने वाला है, इसलिए मैं इसको क्या करी हूं, पार्ट में डिवाइडेड कर दी, ताकि आपको इजिली समझ आए और देखने में भी बोर ना लगे और मजा आ जाए पढ़ने में। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी निकालोगे, डायग्राम आप खुद बनाओगे और आप आंसर देते जाओगे। आपको लगता है आपको फटाक से क्वेश्चन में कोई पूछ रही है, आपको पता है, कमेंट फट से कर दीजिए, या अपनी आंसर जो भी कॉपी पकड़े हो उसमें आप नोट करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, जनन चैप्टर से 5 अंक के क्वेश्चन जो कि आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या प्रश्न पूछा है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो क्या प्रश्न लिखा है भाई, पढ़िए, ये आया है आपका 2018 में, 20 में, 21 में, 22 मतलब 23 में आने की भी ये संभावनाएं होती है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू पूछा है, क्या पता जो क्वेश्चन सेट करने वाले को लग जाए चल भाई इसको फिर से हम पूछ दे, तब आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन अभी यहां पर बनने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना करके पढ़ते जाएंगे। आप सोच रहे होगे कि मैं यहां पर आंसर नहीं लिखी हूं, तो बेटा मैं अब यहां पर टॉपिक लिखी हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, इस टॉपिक को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके आगे आपको समझ के लिखते जाना है। समझ जाओगे तो लिखना तो बहुत इजी काम है इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। निषेचन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भाई, निषेचन क्या है या निषेचन किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, ये तो आपको पता चल गया होगा कि निषेचन क्या होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और पूछा कि आवृत बीजी पादप में द्विनिषेचन को सचित्र समझाइए। फिर से सुनना, क्या लिखा, चित्र के द्वारा समझाना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें आपको डायग्राम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा निषेचन क्या है, ठीक है भाई बता देंगे, अब द्विनिषेचन दिया इसका क्या मतलब है, अभी तक निषेचन निषेचन पढ़े तो याद करो, आप लोग बुक पढ़े हुए हो, फ्लावर का डायग्राम, पुमांग, जायांग यानी कि एंड्रोशियम, गायनोशियम, फ्यूजियन, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, मेरे साथ हो तो मैं पूरा बताने वाली हूं आपको कि कितना आपको पेपर में लिखना है, 5 अंक के लिए याद रखेंगे 5 अंक।
चलिए तो आंसर में आते हैं सीधा हम। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, तो डायग्राम पहले बाद में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर आपको डायग्राम से बताते जाएंगे। पहले क्या लिखा भाई साहब आंसर में, आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है। निषेचन पूछा, बेटा निषेचन डालो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये डालेंगे, देन निषेचन की क्रिया निम्नलिखित चरण में होती है, और ये चरण को आपको इम्पोर्टेंट है, इस चरण को ही आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप में ये निषेचन की प्रक्रिया हो रही है और ये द्विनिषेचन इसमें कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालोगे निषेचन, तो भाई निषेचन क्या है ये, देन निषेचन क्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं, कौन कौन से चरण, पराग कणों का अंकुरण होता है, पराग नलिका का पथ होगा, उसके बाद पराग नलिका का भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश होता है, हमने याद होगा आप लोगों तीसरे जो लेक्चर मैंने 3 अंक के जो क्वेश्चन बनाए थे वहां पर ये सारे चीजों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा वहां पर जानकारी दी हुई है, ठीक है। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाए या मुझे कमेंट करें कि मैडम इसका आप डिटेल में बता दीजिए, लेकिन डिटेल में बताऊंगी तो पूरा चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा और लेक्चर भी काफी, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम यहां पर फोकस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें, लास्ट है आपका दोहरा निषेचन, लेकिन दोहरा निषेचन के आगे भी कुछ पॉइंट आता है जिसको मैं अभी बताने वाली हूं। ये चार मुख्य जो टॉपिक है आपको इसको ऐड करना मुख्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखेंगे अभी क्या क्या चीजें और है। तो सबसे पहला क्या आता है, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये याद रखोगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है भाई आप ही लोग बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या, निषेचन किसे कहते हैं, तो निषेचन क्या होता है ये मुझे बता दो। तो भाई साहब आप लोग को ये डायग्राम याद है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ये वाला डायग्राम आपको याद है, फ्लावर का डायग्राम। तो फ्लावर के डायग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा है, पुमंग और जायांग, ठीक है, पुमंग और जायांग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग को याद है कि नहीं याद है। तो ये है आपका पुमंग वाला भाग है, पुमंग है, और ये पूरा शुरू से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जायांग कहते हैं, मतलब ये हो गया आपका एंड्रोशियम और ये हो गया क्या आपका गायनोशियम, एंड्रोशियम और गायनोशियम, पुमंग और जायांग, ठीक है। तो ये आपका एंड्रोशियम यानी कि पुमंग जो होता है इसके में क्या है, ये ऊपर वाला भाग जिसको हम कहते हैं पराग कोश कहते हैं, एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग कोश या एंथर कहते हैं, और एंथर में पाया जाता है पराग कण, ठीक है। हमने पराकण का डायग्राम देखा हुआ है कि नहीं देखा, सब मैंने बताया हुआ है, तो जल्दी आप पुराना वीडियो पहले देखेंगे तब इसमें आएंगे भाई, तब आपको समझ आएगा पराग कण है, और पराग कण में क्या होता है, नर युग्मक बनता है, पता है कि नहीं पता। पराग कण में क्या होता है, जनन कोशिका होती है और एक वर्धी कोशिका, एक जनन कोशिका और ये जनन कोशिका, और एक बनती है क्या, वर्धी कोशिका बनती है। सारा चीज मैंने रिपीट किया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो ध्यान देंगे पिछला लेक्चर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पराग कण हो गया और जनन कोशिका में ही नर युग्मक बनता है, ठीक है। तो नर युग्मक निषेचन क्या है भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना या फ्यूज होना कहलाता है निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि जनन इकाइयों का आपस में संलयन होना, ठीक है। जनन इकाई मतलब यहां पर क्या है आपका, अंड कोशिका है कि नहीं है, यहां पर यह है आपका अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका हो गया, और यहां से जनन कोशिका से क्या निकलेगा, दो नर युग्मक, तो ये क्या है आपका नर युग्मक, ठीक है। तो नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और अंड कोशिका, यहां पर है नर युग्मक, यहां पर क्या है नर युग्मक, ठीक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका यानी कि जनन केंद्रक का, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होना, क्या बोला मैंने, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक ही तो है क्या, ये मादा युग्मक है अंडकोशिका और ये क्या है नर युग्मक है, पराग कोश में पराग कण होते हैं उसी के अंदर नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन क्या कहलाता है, आपस में संलयन क्या कहलाएगा, संलयन क्या कहलाता है आपका, निषेचन
कहलाता है। इतना चीजें तो आपको तो ऐसे भी याद हो जाएगा, बिना मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, मैं एकदम गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज किए और क्या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। और जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है और भ्रूण से ही तो एक नया प्लांट बनता है कि नहीं बनता, आपको पता ही है। चलिए, तो ये था आपका निषेचन की क्रिया, किसे कहते, इतना लिख देना, खत्म। अब मुझे ये चीज आपको समझ आ गया होगा बताने में भी, और आप भी पढ़ लिए होंगे कि नर युग्मक कहाँ, पराकण के अंदर, मादा युग्मक कहाँ, बीजांड के अंदर, ये सारी चीजें मैंने बताई ना, ये सारी चीजें ही आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा। अब पूछा है भाई निषेचन की क्रिया विधि। ठीक है, मतलब निषेचन क्रिया के कौन कौन से स्टेप होते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टेप है, पहला लिखा है परागकण का अंकुरण दिया है। ठीक है भाई, परागकण अंकुरित होता है हमको पता है। तो और सेकंड क्या, पराग नलिका का पत्र। तो सबसे पहले आते हैं पराग कणों का अंकुरण, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और स्टिग्मा में, क्योंकि वर्तिकाग्र पे यह अंकुरण होता है। ठीक, तो वहां पर मैं अंकुरण नहीं, स्टिग्मा नहीं लिखी हूं, तो लिख लेना यहां पर पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ठीक है, तो कैसे अंकुरण होगा, तो सबसे पहले आते हैं पराग कणों का अंकुरण के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां पर लिख लो पराग कणों का वर्तिकाग्र। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले ये क्या है, पराग कण की संरचना। ठीक है भाई, पराग कण की संरचना होती है। तो पराग कण की संरचना अभी हमने देखा क्या है कि पराग कण के बाह्य स्तर को हम क्या कहते हैं भाई, बाह्य स्तर को, पराग कण का बाह्य स्तर क्या कहलाता है, एक्साइन यानी कि बाह्य चोल कहलाता है। ठीक है, एक्साइन यानी कि बाह्य चोल कहलाता है। अंदर का स्तर क्या कहलाता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं अंतः चोल या अंतः स्तर कहते हैं। ये बाह्य स्तर और ये अंतः स्तर या अंतः चोल कहलाता है। ठीक है, अंदर की अगर मतलब ये एक्साइन और ये क्या है, एंटाइन कहलाता है। ठीक है, अब अंदर में यानी कि अंतः स्तर के अंदर में आप देखोगे तो यहां पर आप देखो साइड साइड में क्या है, जनन छिद्र पाए जाते हैं। अंतः स्तर में जनन छिद्र पाए जाते हैं, है ना, जर्मिनल पोर पाए जाते हैं। जनन छिद्र होता है, जर्मिनल पोर होता है, और यहीं से ही देखो कैसे होता है, जब हम बात करते हैं इस वर्तिकाग्र की, ध्यान देना मैं जो कह रही हूं, ये क्या है आपका वर्तिकाग्र है। ठीक है, अंडाशय जो होता है, यानी कि सीधा सीधा बोलूं जायांग जो होता है, गाइनोशियम होता है, तीन भाग में डिवाइडेड होता है। पहला जो भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। सेकंड जो भाग है जिसको हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, तीसरा जो भाग है जिसको हम कहते हैं अंडाशय। तीन भाग हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सब पढ़ाया आपने। ठीक है, सब पढ़े हुए हो, आगे देखते जाओ बस। ठीक है, समझो बस क्या है, सब पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो पहला पार्ट वर्तिकाग्र, जब हम बना देते हैं यहां पर, ये है आपका पराग कण है। ठीक है, ये क्या है आपका पराग कण। जैसे ही पराग कण जो होता है वर्तिकाग्र पर आता है, ठीक है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो वर्तिकाग्र के कुछ शर्करा को, ठीक है, शर्करा को अवशोषित कर लेता है पराकण। ये जो पराग कण होता है, पराग कण में हमको पता ना वर्धि केंद्रक और जनन केंद्रक होता है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए थोड़ा सा ये दो स्ट्रक्चर को समझ जाना। एक क्या है वर्धि कोशिका, ठीक है, और एक क्या है जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, मैं फटाफट यहीं पर लिख रही हूं, इसलिए थोड़ा सा समझते चले जाओ आपको लिखना क्या है। सबसे पहले पराकण हो गया, बाह्य चोल, अंतः चोल, जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र से ही पराग नलिका निकलता है। लेकिन पराग निकलेगा कब, निकलेगा ये देखो। ठीक है, देखो जब पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यहां पर से वर्तिकाग्र से शर्करा को क्या करता है, अवशोषित करता है पराग कण, और ये आकार में फूल जाता है। शर्करा को अवशोषित करता है पराग कण और आकार में फूल जाता है, और फूलने के पश्चात इस जनन छिद्र से एक पॉलन ट्यूब, ये दिख रहा है ना पॉलन ट्यूब, इसी को तो कहते हैं पराग नली का। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण
कर देता है। ठीक है, तो ये पराग नली है उसी का ही ये निर्माण कर रहा है। देख रहे हो ना, अभी तक नहीं था लेकिन जर्मिनल यानी कि जनन छिद्र से क्या हुआ, शर्करा को अवशोषित किया, फूल गया और पराग नलिका का निर्माण कर दिया, यानी कि पॉलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। इतनी बातें क्लियर समझ आ रही है। तो पराग नलिका तो सबसे पहले यहां गया वर्तिकाग्र, अब वर्तिकाग्र से कहां चला जाएगा, ये वर्तिका में प्रवेश करेगा। सीधी सीधी बातें, कहां जाएगा, वर्तिका में प्रवेश करेगा। और वर्तिका में प्रवेश करने के पश्चात अंडर में क्या है, इसको हम बोलते हैं बीजांड कहते हैं। ठीक है, और बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोष पाया जाता है, पता ही आपको। अब पराग नलिका इस अंदर में यानी कि अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है। बीजांड के अंदर क्या है, बजान के अंदर क्या है भाई, केंद्रक है ना, अंडकोशिका है ना, तो इसी के अंदर यानी कि अंडकोशिका से फ्यूज करता है। तो ये अभी पहला प्रोसेस क्या था आपका, पराग कण का अंकुरण था, हमने अंकुरण करा दिया, दैट्स इट, इतना ही चीज आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस, ये देख रहे हो ना, ये पराग नलिका है और पराग नलिका में एक एक जो है, एक जो होता है, ध्यान दे रहे हैं यहां पर, एक जो होता है जिसको हम कहते हैं वर्धी। ठीक है, वर्धी कोशिका हो गया और दूसरा क्या रहता है, जनन कोशिका। ये मैं बार बार लिख रही हूं, इसका मतलब समझो, ये इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, इसको भूलना है ही नहीं। तो वर्धी कोशिका आगे चलकर तो ये बेचारा नष्ट हो जाएगा, भाई नष्ट हो जाता है, इसका कोई वर्क है नहीं। ठीक है, लेकिन जनन कोशिका आगे चल के यही बेचारा जो है दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। ये बना हुआ है ना दो, ये वही स्ट्रक्चर है जनन कोशिका, दो नर युग्मक का निर्माण कर देता है। इसी दो नर युग्मक का ही काम होने वाला है। ठीक है, तो याद रखोगे नर युग्मक कितना, दो बनता है। ठीक है, वर्धी कोशिका कितना, एक है, तो दो नर युग्मक का निर्माण हो गया यहां पर। तो पॉलन ट्यूब की समझ में समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ ही गया होगा। सेकंड जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, पराग नलिका का पथ। ठीक है, पथ मतलब होता है रास्ता। भाई साहब आपने तो कह दिया कि पराग नलिका बनता है, ठीक है भाई बनता है, लेकिन अब कौन कौन से रास्ते से होकर जाएगा बीजांड के पास, भ्रूण कोष के पास। तो हम अभी बताने वाले हैं कि भाई साहब नलिका आपने बना दिया नली, लेकिन जाने का उसको हम रास्ता दे रहे हैं, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, आपको पहुंचना वही है। तो तीन रास्ता यहां पर बता दिया गया कि भाई साहब आप इस रास्ते से जाओगे तब भी पहुंच जाओगे, इस रास्ते से जाओ तब भी पहुंचोगे, बीच से जाओ तब भी पहुंचोगे। तो कौन से वो रास्ते है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पराग नलिका का पथ क्या है भाई, चलिए ये देखिए क्या लिखा है यहां पर, तीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर, एक लिखा है पोरोगैमी। अब पोरोगैमी का मतलब देखो, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहां पर ये है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब कौन से साइड से आ रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के लिख देती हूं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार साइट कहते हैं इसको। ठीक है, ये कौन सा भाग है, बीजांड द्वार साइट है, यानी कि माइक्रोपल साइट है। ठीक है, और नेक्स्ट जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, चलाजा यानी कि निभाग साइड होता है, ये आपका चलाजा यानी कि निभाग साइड होता है। तीसरा जो होता है इसको मध्य भाग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग कहते हैं, मध्य वाला, ठीक है, बीच का भाग, मध्य भाग कहलाया। तो अब देखो तीन इसको रास्ते दिए हमने कि पराग नलिका भाई साहब आप इस रास्ते से चला जाओ, जब चले कैसे जाएगा, तो एक साइड जाता है, जब पराग नलिका, ध्यान देना, जब पराग नलिका जो है बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोष में प्रवेश करती है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूं, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोष में प्रवेश करेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी कहते हैं, ध्यान दिए। चलिए अब दूसरा क्या है, निभाग साइड लिखा है यहां पर, यहां पर क्या लिखा है, चलाजो गैमी लिखा है, चलाजा मतलब निभाग। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जब पराग नलिका निभाग साइड से होते हुए पराग नलिका में भ्रूण कोष में, ये अपना क्या है, भ्रूण कोष है, तो भ्रूण कोष में क्या करेगी, प्रवेश करती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, चलाजोगैमी कहते हैं। जब पराग नलिका, ये क्या है भाई, पराग
नलिका है। तो पराग नलिका जो है जब भ्रूण कोश में निभाग तरफ से प्रवेश करेगी तब हम इसको चलाजोगैमी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना तीसरा क्या लिखा है, तीसरा जो लिखा हुआ है मीजोगैमी यानी कि मध्य भाग से। जब पराग नलिका बीजांड मतलब अगर वो भ्रूण कोश के अंदर जाए तो कौन से भाग से जाएगा, मध्य भाग से प्रवेश करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमी कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक हो गया। तो ये था पराग नलिका का पथ था रास्ता, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मेसोगैमी। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा और इतनी चीजें आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है 5 अंक के क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। भाई आपने बता दिया कि पराग नलिका निकलता है, ठीक है। दूसरा आपने क्या बताया कि उसका एक रास्ता बता दिया, इस रास्ते से जा सकते, ये भी ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करता है, ठीक है भाई प्रवेश तो करेगा ही क्योंकि ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश है। ये आपका क्या है, देखिए ये अंदर आपका क्या है, यही जो एरिया है वही भ्रूण कोश कहलाता है, ठीक है। तो भ्रूण कोश के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। इतनी चीजें क्लियर है, बस उतनी चीजें लिखना, उसके आगे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भ्रूण कोश में ये क्या हो गया, प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 3 पॉइंट और ध्यान देना आप लोग, क्या एक साथ लिखी हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब जाने के बाद प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ कि ये पराग नलिका हो गई तो पराग नलिका में ये लास्ट ये छिद्र होगा वहां पर, है ना, वहां पर एक छिद्र होगा भाई। इसी छिद्र से खुलकर तो नर युग्मक जो होते हैं, दो नर युग्मक एंड आपके भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेंगे ना। तो यहां पर ध्यान देना, नर युग्मक का स्वतंत्र होना, भाई स्वतंत्र कब होगा, जब ये छिद्र खुल जाएगा। पराग नलिका का जो छिद्र है, आखिरी भाग का जो छिद्र है वो ओपन होगा तब जो ये जो दो नर युग्मक है वो बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण कोश, ठीक है, बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण कोश है। तो ये जो ये बीजांड हो गया और ये क्या है आपका, भ्रूण भ्रूण कोश है। अब बताओ मुझे ये जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, भ्रूण कोश जो होता है, तो भ्रूण कोश की अगर मैं बात करूं तो ये भ्रूण कोश के अंदर जाने के बाद क्या होगा भाई, दोनों नर युग्मक क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको फ्री कर दिया। अब फ्री करने के बाद क्या होगा भाई, जाने के बाद इसके अंदर तो चला गया, अब जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो वही लिखा है नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर के जाने के पश्चात वो स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन नर युग्मक कैसे अंदर जाएंगे, तो ये पराग नलिका का जो छिद्र है वो खुल जाता है, ठीक है। छिद्र खुलेगा तब तो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो यही होता है, ठीक है। चलो अब भ्रूण कोश इसके अंदर प्रवेश कर दिया, लास्ट क्या लिखा है, युग्मकों का संलयन लिखा है। युग्मक मतलब क्या समझे, ये दो नर युग्मक है, याद रखेंगे अभी कितना नर युग्मक है, दो नर युग्मक लिखा है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको बताऊं क्या ज्यादा आप लोग को समझ आएगा, देखिए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जो आपका ये देखो अंदर कहीं, बस बताऊंगी, ये अंड कोशिका और ये आपका क्या है, सहायक कोशिका, इसको भी इसी कलर में बना देते हैं ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये आपका प्रतिमुख कोशिका, ठीक, और बीच में आपका क्या रहता है, द्वितीयक केंद्रक रहता है, यहाँ पर हम बना देते हैं द्वितीयक केंद्रक। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर से ये अंड कोशिका का है, एक देखो यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, पराग नलिका अंदर प्रवेश करी, चलो भाई अंदर प्रवेश करवा देते हैं, ये हमारा पराग नलिका अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है अंदर प्रवेश कर रहा है। और पराग नलिका के अंदर क्या क्या होता है, दो नर युग्मक पाए जाते हैं, इसको इस कलर में बना दो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा क्या, ये आपका क्या है, दो नर युग्मक। वर्धी कोशिका आगे चल के नष्ट हो जाती है, जनन कोशिका आगे चल के दो नर केंद्रक का निर्माण कर देते हैं, तो यहां पर लिख देती हूँ क्या, दो नर युग्मक, ठीक है, दो नर युग्मक का निर्माण कर देती है। अब दो नर युग्मक तो हो गया, ठीक है भाई, अब दोनों ही नर युग्मक आगे ढ़ी 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 करके आगे प्रवेश करेंगे। अब यहां पर भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो गए दोनों नर युग्मक, तो एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर देता है। ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, अंड
कोशिका है, ठीक है। और अंडकोशिका कैसा होता है? अंडकोशिका एन होता है, एन गैमिट है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब एक नर युग्मक आया, तो एक नर युग्मक भी कैसा है? एन कोशिका है। यहां पर लिख देती हूं एक नर युग्मक, ठीक है। एक नर युग्मक हो गया, ये नर युग्मक और ये अंडकोशिका, ठीक है। तो एन एन आपस में मिले यहां पर, तो क्या बना लेंगे भाई साहब? 2N बना लिए, ठीक है भाई, 2N। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? युग्मनज कहते हैं, ध्यान रहे, इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, ठीक है। अब एक तो और नर युग्मक हमारे पास बच गया ना भाई साहब, तो एक नर युग्मक जो होता है वो आता है आपका इसमें। अब ये क्या है भाई? ये इसे हम कहते हैं भाई, इसे हम द्वितीयक, क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये दो जो है इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। एक नर युग्मक आपस में आकर के यहां पर संलयित हो गया। इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ। ये हो गया आपका एक नर युग्मक और ये आपका दोनों ही, ये क्या है आपका? दो द्वितीयक केंद्रक हो गया, ये आपका एक नर युग्मक और हो गया, और ये जो नर युग्मक है, ठीक है, ये जो आपका नर, ये भी क्या है आपका? नर युग्मक। अब मुझे बताओ, ये द्वितीयक केंद्रक है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से क्या है? ये 2N है, द्वितीयक केंद्रक मतलब 2N है, NN मिला हुआ है, और ये एक और N यहां पर आ गया, तो दोनों N और 2N मिलके कितना N बना लिए? 3N बना लेते हैं, यानी कि यहां पर क्या हो गया? ट्रिपल संलयन हो गया। कितना हो गया? 2N और N आपस में लिए क्या बने? ट्रिपल, त्रिक संलयन हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या? त्रिक संलयन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिक संलयन कहते हैं, ठीक है, त्रिक संलयन। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे युग्मनज। और ये क्या हो गया? ये भ्रूण बनाया। युग्मनज आगे चल के क्या बना देता है? भ्रूण का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ये जो त्रिक संलयन हुआ, ये आगे चल करके ये क्या बना लेगा? ये बना लेता है भ्रूण पोष का निर्माण कर देता है। तो ये भ्रूण पोष हो गया। तो अब देखो, ये त्रिक संलयन हमने कर दिया, भ्रूण पोष बन गया। अब भ्रूण पोष क्या करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोष का काम है भ्रूण पोष को पोषण प्रदान करना, ठीक है। तो ये था आपका क्या? इसी को हम कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहां पर दो बार निषेचन हुआ है। दो बार निषेचन, एक बार एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिला, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिला, तो क्या बनाया? 2N। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण कह देते हैं। फिर आपका 2N जो है द्वितीयक जो केंद्रक है, प्लस N के साथ फ्यूज किया और क्या बनाया? 3N, प्राथमिक भ्रूण पोष, ठीक है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बन गई। तो प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका जो है आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? भ्रूण पोष का, मैच्योर भ्रूण पोष का निर्माण कर देती है, ठीक है। और यही भ्रूण पोष जो होता है, यही भ्रूण पोष जो होता है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। एकदम मोटा मोटी रूप में आप एकदम इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ, क्योंकि डायग्राम नाम बहुत इजी है, सिर्फ समझना है आपको कि कहाँ जाता है, फिर क्या होता है, इस नाम को याद करना। अच्छा, ये दोनों क्या है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका का क्या होगा भाई? फिर सहायक कोशिका बाद में चल के ये सहायक कोशिका नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? सहायक कोशिका, यही आगे चलकर नष्ट हो जाएगा। ये क्या है? तीनों प्रतिमुख कोशिका, और प्रतिमुख कोशिका भी आगे चलकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का ज्यादा कोई वर्क नहीं है, ये अंडाशय बाद में जाकर के फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अंडाशय बाहर में था, वो आगे चल के फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी चीजें हैं, इसी को हम लोग देखो, जब भ्रूण बनता है यानी कि युग्मनज बन रहा है, 2N हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सत्य निषेचन। इसी को कहते हैं, पेपर में आता है सत्य निषेचन, ठीक है। सत्य निषेचन के बारे में लिखिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? सत्य निषेचन भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं जो बोली, क्या बोलते हैं? एन एन 2N बना, इसी को क्या बोले? भ्रूण। इसी को बोलेंगे कौन सा निषेचन? एक नर युग्मक जब एक अंड कोशिका से आप फ्यूज होता है तो भ्रूण बनाता है, इसको हम कहते हैं सत्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। जब 2N प्लस N यानी कि द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनाया? 3N। ये क्या बना? प्राथमिक
भ्रूण पोष कोशिका, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे चल के ये क्या बनाएगा, भ्रूण पोष, मैच्योर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। और इसको हम कहते हैं क्या, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका लिखा है। इसको भ्रूण पोष कोशिका ना लिख करके केंद्रक भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या आप केंद्रक लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण पोष, ठीक। तो भ्रूण पोष ये क्या है, आपका केंद्रक हो गया, ठीक। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक संलयन भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिक संलयन कहता है, ठीक। तो ये क्या है भाई, भ्रूण पोष आगे चल करके क्या करेगा, इस भ्रूण को, ये जो भ्रूण है इसी को कौन सा निषेचन बोलेंगे, जो सत्य निषेचन है, इस डिप्लॉयड भ्रूण बोलेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2N बना, तो यहाँ पर द्विगुणित हो गया, तो द्विगुणित हो गया, तो ये भ्रूण बना दिया, इसी को सत्य निषेचन, इसको त्रिक संलयन। भ्रूण पोष आगे चल के भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये जो भ्रूण पोष है आगे चलकर इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करता है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा, दोहरा निषेचन क्या होता है, ठीक है। और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, आवृत्तिबीजी में दोहरा निषेचन को अगर समझाइए कहेगा तब आपको इसको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और 5 नंबर के लायक भी है और आता भी है। इतना चरण लिखोगे तो 5 नंबर के लायक तो ऑलरेडी बन ही जाएगा। और यहीं से 2-3 क्वेश्चन और उठा सकता है, भ्रूण पोष का कार्य क्या है, तो पोषण प्रदान करना भ्रूण को, ये भी लिखोगे। और हो सकता है इसका डायग्राम पूछ दे, यहाँ पर बोल दिए सत्य निषेचन और त्रिक संलयन के बारे में, तब भी आपको यही चीज लिखना है। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। चल अब हम फिफ्थ आपके सेकेंड जो यूनिट है उसका हम फिर से 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न जो आते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और 5 अंक के जो प्रश्न है, 5 अंक के जो प्रश्न है, उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाले हैं। तो तब तक आप इतने जो लेक्चर हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते जाइए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा सेकेंड यूनिट पर रहेगा, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।